धानगांव इलाके में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा। चोरों ने गेवड़ा गुरुद्वारे को निशाना बनाते हुए गुरुद्वारे में रखे दान पात्र में पड़ी लाखों की नकदी चुरा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही। सीतापुर के सदना थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में तालाब में मिला मजदूर का शव। मधुआपुर निवासी संत राम के रूप में हुई मजदूर की पहचान। पुलिस मौके पर, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीतापुर की मिश्रिक पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पिछले एक वर्ष से फरार चल रहा युवक जोधपुर रेलवे क्रॉसिंग पर हुई उसकी गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपी पर युवती के अपहरण का आरोप। पुलिस ने दोनों को किया बरामद। शरारती तत्वों ने हरगांव के रिक्की पुरवा में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया। इलाके में आक्रोश। पुलिस अधिकारी मौके पर, नई मूर्ति को रखवाया गया। बिस्वा के सपा कार्यालय पर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा का अफजल कौसर, उनके समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान पर जोर देने के लिए प्रेरित किया गया। रामकोट में डायल 112 नंबर सिपाही के पद पर तैनात जंग बहादुर यादव शराब के नशे में धुत दिखे। लोगों से की गाली गलौज। वर्दी भी उतार कर सड़क पर फेंकी। वीडियो हुआ वायरल। मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी ने श्री कृष्ण मेले का उद्घाटन किया। एसडीएम पूनम भास्कर, नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, अधिशासी अधिकारी दिनेश कुमार मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद विधायक शशांक त्रिवेदी ने भोलेनाथ के दर्शन किए। चप्पे चप्पे पर पुलिस।